नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। थाना कोतवाली के तहत कार चालक एक मेडिकल संचालक के साथ पिछले दिनों नकदी 35,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देने 3 छात्र लुटेरे को कोतवाली पुलिस टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। एक आरोपी को पकड़ने में आरक्षक श्याम राजपूत लहूलुहान हो गया। पुलिस कॉन्फ्रेंस में इस लूट की वारदात का खुलासा ASP अमित मीना, कोतवाली नगर निरीक्षक आशीष चपरे ने किया। इन छात्र लुटेरे युवकों को पकड़ने के लिए SP विकास कुमार शहवाल ने सूचना, नाम पता बताने वालों के लिए पिछले हफ्ते 10,000 इनाम घोषित किया था। इन आरोपियों के अलावा एक नाबालिग लड़का भी शामिल था। गत 11 जनवरी 2020 को रात लगभग 10:25 बजे जिला अस्पताल के मार्केट में एक मेडिकल दुकान के संचालक दीवान सिंह गौर दुकान बंद कर अपने पैतृक गांव वाले घर अपनी अल्टो कार क्रमांक MP04C/8605 से जा रहे थे। तभी रतनपुर जोड़ से आगे वेयरहाउस की पुलिया के समीप पहुंचे, तभी सामने खड़े 4 नकाबपोश छात्र लुटेरे ने सड़क पर पत्थर रखकर रास्ता रोक दिया। आरोपियों ने उसे धमकी देते हुए कार में रखे हुए बैग, जिसमें दवा दुकान की बिक्री के रखे नकदी 31,000 रुपये, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डायरियां, बिल और सील तथा अन्य कागजात रखे थे, लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने फरियादी दीवान सिंह गौर की रिपोर्ट पर भादवी की धारा 392 के तहत अज्ञात 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने चारों लुटेरों को गिरफ्तार कर दिया है। लूट की वारदात को अंजाम देने से पूर्व एक नाबालिग लड़की और नीरज कुशवाहा ने फरियादी के मेडिकल के आसपास खड़े होकर रेकी की थी। कोतवाली पुलिस ने बताया, चारों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपियों के पास से काले रंग का बैग, लोहे का घन, 13 मोटरें, पनडुब्बी सहित कृष्ण पाल राजपूत की एक कार, नीरज ताती कुशवाहा के पास से नकदी 700 रुपये, एक कीपैड मोबाइल, विजय पुरवरिया के पास से 450 रुपये जब्त किए गए हैं। इन किसानों की मोटरों को सुल्तानपुर नकतरा सिलवानी देवनगर से चुराना बताया है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रायसेन से शिवलाल यादव की रिपोर्ट। सर, किस प्रकार की ये घटना थी, क्या आरोप लगे थे, कैसे आरोपियों तक पहुंची पुलिस, कैसे आरोपियों को पकड़ा? ये 11 जनवरी की घटना है। एक मेडिकल स्टोर के व्यापारी दीवान गौर के साथ लूटपाट की घटना हुई थी रात्रि करीब 10:30 बजे। इस मामले में थाना कोतवाली में अपराध दर्ज हुआ था और पुलिस ने इसमें टीम बना के काम किया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अज्ञात आरोपियों की पहचान के लिए इसमें 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। करीब 10 दिन लगातार प्रयास करने के बाद में इसमें कृष्णपाल और उसके 3 अन्य साथी वारदात में शामिल होना ज्ञात हुआ था, जो कि आसपास के निवासी हैं। इनका पुराना भी आपराधिक रिकॉर्ड है। इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपियों के कब्जे से घटना में जो राशि लूटी गई थी और बैग, कागज आदि सामान बरामद हुआ है। एक गाड़ी भी जब्त हुई है जो इस वारदात में इस्तेमाल की गई। आरोपियों के कब्जे से उनके मोबाइल भी बरामद हुए हैं जिनका इस घटना में इस्तेमाल हुआ था, और एक घन जो घटना के वक्त इन्होंने गाड़ी को रोकने और हमला करने में प्रयोग किया था, वो भी जब्त किया है। आरोपियों का और भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है जो अन्य थानों से भी एकत्रित किया जा रहा है। आरोपियों ने कुछ दूसरे थाना क्षेत्र की भी कई अन्य घटनाएं करना स्वीकार किया है, जिसका कुछ और माल हमने जब्त किया है। आज इन सभी आरोपियों को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करके और पुलिस रिमांड लिया जा रहा है।